मैं डॉक्टर आर आर कोची, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नेहरू पीजी कॉलेज डोंगरगढ़ में पदस्थ हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से व्यापार चक्र के हाटरे का सिद्धांत के संबंध में डिस्कस करेंगे। हाटरे का व्यापार चक्र सिद्धांत, जिसे हम शुद्ध मौद्रिक व्यापार चक्र सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब हम हाटरे के शुद्ध मौद्रिक व्यापार चक्र सिद्धांत की विवेचना इन तीन बिंदुओं के आधार पर करेंगे। सर्वप्रथम हम व्यापार चक्र से आशय को समझेंगे, उसके बाद हाटरे के व्यापार चक्र सिद्धांत की व्याख्या करेंगे और अंत में हाटरे के व्यापार चक्र सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में समझेंगे। सर्वप्रथम हम व्यापार चक्र से आशय को समझते हैं। सामान्यतः व्यापार चक्र से आशय अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के उन उतार चढ़ाव से होता है जो पर्याप्त निश्चित समय अवधि के पश्चात निरंतर घटित होते रहते हैं। अर्थात एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में आर्थिक उच्चावचन की गतिविधियों को ही हम व्यापार चक्र के नाम से जानते हैं। हाटरे ने अपने व्यापार चक्र के संबंध में बताया है कि व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, क्योंकि सामान्य मांग स्वयं एक मौद्रिक घटना होती है। हाटरे ने कहा है कि व्यापार चक्र एक विशुद्ध रूप से मौद्रिक घटना है, क्योंकि सामान्य मांग स्वयं एक मौद्रिक घटना होती है। यद्यपि हाटरे के अनुसार अर्थव्यवस्था में आर्थिक उच्चावचन के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे अकाल, बाढ़ या युद्ध की स्थिति के कारण भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक उच्चावचन की स्थितियां हो सकती है, लेकिन हाटरे का कहना है कि आर्थिक उच्चावचन का प्रमुख कारण मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन ही है। अब हम हाटरे के व्यापार चक्र सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। हाटरे ने निम्नलिखित इन अवस्थाओं के माध्यम से व्यापार चक्र सिद्धांत की विवेचना किए हैं। पहली अवस्थाएं हैं ऊर्ध्व गति अथवा तेजी की अवस्था। हाटरे के अनुसार पहली अवस्था होती है तेजी की अवस्था। हाटरे ने तेजी की दशा में अर्थव्यवस्था में जो क्रियाएं संचालित होती है वो इस प्रकार है। जब अर्थव्यवस्था में बैंकों द्वारा ब्याज दर में कमी की जाती है, अर्थात व्यवसायियों को, फर्मों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराई जाती है, जिससे व्यवसायी अथवा फर्में स्टॉक बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में स्टॉक बढ़ाना चाहते हैं ब्याज दर में कमी होने से। परिणामस्वरूप विनियोग में वृद्धि होती है। विनियोग में वृद्धि होने से उत्पादन के साधन को रोजगार एवं उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक उत्पादन से अधिक आय एवं विक्रय होता है। अधिक आय एवं विक्रय से फर्मों को अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। व्यवसायियों एवं फर्मों को और अधिक लाभ मिलने की आशा होती है। इस प्रकार आशावादिता के कारण व्यवसायियों द्वारा स्टॉक के ऑर्डरों में और वृद्धि कर दी जाती है। इस प्रकार यह चक्र ऊर्ध्वगति गति या तेजी की दशा की ओर अग्रसर होती है। हम देखते हैं हाटरे के व्यापार चक्र सिद्धांत के अंतर्गत दूसरी अवस्था अधोगति या प्रतिसार की अवस्था। प्रोफेसर हाटरे के अनुसार अधोगति या प्रतिसार की दशाएं निम्नानुसार संचयित होती हैं। जब बैंकों द्वारा ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाती है तो व्यवसायी या फर्मों द्वारा स्टॉक को घटाने
हेतु दबाव होता है। व्यवसायी फर्मों द्वारा स्टॉक को घटाने की मजबूरी होती है क्योंकि ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाती है। जब उत्पादकों को उत्पादन में कमी का डर प्राप्त होता है तो उत्पादन में कमी से विनियोग और आय में कमी होती है। विनियोग और आय में कमी होने से वस्तुओं की बिक्री में कमी आती है और वस्तुओं की बिक्री में कमी से वस्तुओं की उत्पादन में भी कमी आती है और रोजगार में भी कमी आती है। इस प्रकार यह चक्र अधोगति या मंदी की ओर अग्रसित होती है। अब हम इस सिद्धांत की अगली दशा संकट की अवस्था को देखेंगे। हार्टे ने अपने व्यापार चक्र सिद्धांत में मानते हैं कि बैंक व्यवसायियों को कम ब्याज दर पर एक निश्चित सीमा तक ही ऋण देते हैं। बैंकों द्वारा व्यवसायी या फर्मों को एक निश्चित सीमा तक ही कम ब्याज की दर पर ऋण देते हैं। बैंकों की अपनी सीमाएं होती हैं कम ब्याज दर पर ऋण देने की। वह अपने दायित्वों के अनुपात में एक निश्चित सीमा तक नकद जमा रखते हैं, इसलिए उनकी अपनी सीमा होती है कम ब्याज दर पर ऋण देने की। जब बैंकों द्वारा ब्याज दर बढ़ा दी जाती है तो व्यवसायी या फर्म अपने स्टॉक बेचने लगते हैं। व्यवसायी जब अपने स्टॉक बेचने लगते हैं तो अनेक व्यवसायी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। परिणामस्वरूप अनेक फर्में बंद हो जाती हैं। जब अनेक फर्में बंद होती हैं तो उत्पत्ति के साधनों को रोजगार पर नहीं रखा जाता, अर्थात उत्पत्ति के साधनों की मांग कम होती है। परिणामस्वरूप उत्पत्ति के साधनों में बेरोजगारी बढ़ती है और बेरोजगारी बढ़ने से उत्पत्ति के साधनों में आय में भी कमी आती है। इस प्रकार आय में कमी होने से वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में भी कमी आती है। इस प्रकार संकट की अवस्था में अर्थव्यवस्था डूब जाती है। हार्टे के व्यापार चक्र सिद्धांत की जो अगली अवस्था है या अगली दशा है वह है पुनरुत्थान की दशा। जब अर्थव्यवस्था संकट की अवस्था में होती है तब एक पुनरुत्थान की दशाएं उत्पन्न होती हैं। पुनरुत्थान की दशा में हार्टे के अनुसार जब लंबे समय तक अवसाद काल बढ़ने से बैंकों में नगद जमा बढ़ती है तो इससे बैंकों द्वारा कम ब्याज की दर पर ऋण देने हेतु प्रोत्साहन मिलता है, अर्थात बैंकों द्वारा कम ब्याज की दर पर व्यवसायी या फर्मों को ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। जब बैंकों द्वारा कम ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे साख का विस्तार होता है। साख का विस्तार होने से आर्थिक गतिविधियां या व्यापार एवं व्यवसाय में भी वृद्धि होती है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान की दशाएं उत्पन्न होती है। अब हम अंत में देखते हैं हार्टे द्वारा प्रतिपादित व्यापार चक्र सिद्धांत की आलोचनाएं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने हार्टे के व्यापार चक्र सिद्धांत की आलोचनाएं की हैं। ये विभिन्न आधार हैं, इस प्रकार हैं। पहले आधार हैं अवास्तविक सिद्धांत। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि हार्टे द्वारा प्रतिपादित व्यापार चक्र सिद्धांत अवास्तविक है। कोई ऐसा ऐतिहासिक पुष्टि या तथ्य नहीं है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से व्यापार चक्र उत्पन्न होता है, या यूं कहें कि यदि ब्याज की दर में कमी होती है तो अर्थव्यवस्था में तेजी का संचार होता है। आलोचकों का कहना है कि कम ब्याज की दर ही अधिक उत्पादन या विनियोग को प्रोत्साहित नहीं करता जब तक कि फर्मों को कोई लाभ प्राप्त होने की आशा नहीं होती है, अर्थात पूंजी की सीमांत कुशलता अधिक होने पर ही व्यवसायी या फर्में अधिक उत्पादन या विनियोग के लिए प्रोत्साहित होती हैं, न कि कम ब्याज दर होने पर।
आलोचना का दूसरा आधार है ब्याज दर में वृद्धि की अव्यवहारिकता। आलोचक इस सिद्धांत की आलोचना ब्याज की दर में वृद्धि की अव्यवहारिकता को मानते हैं, यह अव्यवहारिक होता है। तीसरी आलोचना का आधार है पूंजीगत एवं भोग वस्तुओं की धारणा अमान्य। आलोचक हार्डरे के व्यापार सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी करते हैं कि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में अधिक उच्च वजन होता है बनिस्बत उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में, ऐसी कोई पुष्ट मान्यता नहीं देखी गई है कि केवल पूंजीगत वस्तुओं में ही अधिक उच्च वजन होते हैं उपभोग वस्तुओं की तुलना में। अगली आलोचना का आधार है आलोचकों का स्थिर साख मुद्रा नीति से व्यापार चक्र का अंत नहीं। हार्डरे मानते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में स्थिर साख नीति अपनाई जाए तो इससे व्यापार चक्र का अंत हो जाएगा, लेकिन आलोचक इस धारणा को अमान्य करते हैं। केवल स्थिर साख मुद्रा नीति से ही व्यापार चक्र का अंत होना संभव नहीं है। हार्डरे के व्यापार चक्र सिद्धांत की अंतिम आलोचना इस आधार पर की जाती है कि बैंक साख ही व्यापार चक्र का कारण नहीं है। केवल बैंक साख के द्वारा ही व्यापार चक्र उत्पन्न होता है ऐसी कोई मान्यता नहीं है। आलोचकों के अनुसार इस आधार पर हार्डरे की व्यापार चक्र सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती है। अब हम अगले वीडियो में व्यापार चक्र के अन्य सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।